मैं आभारी हूँ आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सरमाथे हैं। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्रप्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 56 साल से लगातार आप हमें आशीर्वाद देते आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हों, माताजी लड़ी हों, मैं लड़ा हूँ, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है, आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग आपको जैसे मैंने पहले कहा बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हों। ऐसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है, तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। जिन साथियों ने हमें मत दिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मत नहीं दिए उनसे ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में ज़रूर आप हमें आशीर्वाद दे के कामयाब करें। एक बार फिर से मैं सभी से कहता हूं कि ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे, उन्नति दे, आपका बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी। परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आए, आप मायूस ना हो, आपने बहुत मेहनत करी, मैं दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूं। मैं आभारी हूं आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सरमाथे हैं। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्रप्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 56 साल से लगातार आप हमें आशीर्वाद देते आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हों, माताजी लड़ी हों, मैं लड़ा हूँ, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है, आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग आपको जैसे मैंने पहले कहा बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हो। ऐसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है, तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। जिन साथियों ने हमें मत दिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने मत नहीं दिए उनसे ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में ज़रूर आप हमें आशीर्वाद दे के कामयाब करें। एक बार फिर से मैं सभी से कहता हूं कि ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे, उन्नति दे, आपका बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी। परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आए, आप मायूस ना हो, आपने बहुत मेहनत करी, मैं दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूँ।